हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू समीरा की ज़िंदगी। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सो आज जो चीज़ मैं बनाने वाली हूँ वो रमज़ान में सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं। मेरी सिस्टर जो है बहुत अमेजिंग से बनाती है। सो इससे पहले भी मैंने एक बार बनाया था, तब मैंने शूट नहीं किया था। सो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसको शूट किया जाए। सो आज मैं बनाने वाली हूँ कस्टर्ड। कस्टर्ड हम लोग तो इसे फिरनी कहते हैं, सब लोग में भी फिरनी ही कहते होंगे। आप लोगों के यहाँ इसको क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक ये प्रोसेस इतना इजी है एंड इसमें दो तीन चीज़ें ही पड़ती हैं एंड ये इतना अमेजिंग बनता है ना, बहुत टेस्टी बनता है। सो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स वगैरह बता देती हूँ। तो कस्टर्ड बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें दूध चाहिए होगा। सो आई थिंक ये आधा लीटर का एक पैकेट होता है। सो मैं एक लीटर का बना रही हूँ। एंड देन आप लोग इसे प्लेन भी बना के खा सकते हो, और या फिर अगर आप लोगों को फ्रूट्स अच्छे लगते हैं सो आप लोगों को जितने चाहिए मर्जी आपके फ्रूट्स उसमें आप ऐड कर सकते हो। सो फिलहाल मैं उसमें बस गार्निशिंग के लिए अनार डालूँगी। एंड देन इसमें आपको कस्टर्ड पाउडर लगेगा, कोई भी आप ले सकते हैं। सो ये कस्टर्ड पाउडर है एंड देन शुगर लगेगी आपको। सो सबसे पहले गैस पर आपको एक बर्तन रख लेना है, कोई भी नॉन स्टिक भी चलेगा, फिलहाल हमारे पास है नहीं तो मैं ये वाला बर्तन लिया है मैंने। ओके वेट, मैं इसको सेट कर देती हूँ कैमरा को। सो मैंने बर्तन रखा है और उसमें अभी सबसे पहले हम लोग मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क गर्म करने, दूध गर्म होने के बाद आगे की प्रोसीजर है। यार मेरी रिंग लाइट ख़राब हो गई है, क्या ही। सबसे पहले अच्छे से गरम कर लेना है आपको। थोड़ा सा दूध आपको साइड में निकाल लेना है, क्यों वो आपको मैं आगे बताऊंगी। कुछ नहीं, अब दूध गरम होने तक मैं ये अनार छील लेती हूँ। थी जिसमें लाइक कस्टर्ड में मैक्सिमम लोग डालते हैं, हमको तो अच्छा लगता है। सो ये है, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। अभी मैं शॉप पे गई थी तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। सो दिस इज़ टूटी फ्रूटी, जो कि कस्टर्ड में बहुत अच्छा लगता है। सो ये एक इंग्रेडिएंट आप ऐड कर देना। ये मैंने कांड कर दिया है, आई नो सबके साथ होता होगा। तो देखा, मैं यहीं खड़ी थी फिर भी मैंने पूरा दूध, क्या ही करूं, फिर भी थोड़ा मतलब थोड़ा सा बच गया है, अब इसी से एडजस्ट करते हैं। सो बाकी का दूध गिर गया है, अभी जो बचा है उसकी जल्दी से तैयारी करते हैं। अभी दूध अच्छे से गर्म हो गया है, अब उसमें हमको शुगर ऐड करनी है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि गैस जब दूध ऑलमोस्ट गर्म होने को आ जाए तो गैस थोड़ा सा स्लो कर देना। मैंने बहुत फास्ट रखा था। अब इसमें शुगर ऐड करनी है आपके टेस्ट के हिसाब से, जिसको ज़्यादा चाहिए ज़्यादा, जिसको कम चाहिए कम। अब जो दूध हमने निकाल के रखा था साइड में गर्म होने से पहले, अब इसमें हमको कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देनी है। देखो कस्टर्ड इतनी मस्त लग रही है। अब इसको थोड़ा सा पकाना है अच्छे से, जब तक शुगर डिजॉल्व ना हो जाए, कस्टर्ड पाउडर अच्छे से उसमें मिल जाने तक इसको अच्छे से 2-3 मिनट पकाना है एंड देन निकालना है।